हो? किसको मिल गया आज आप रास्ते पे? अरे बेटा, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? अपने यहाँ निगरी में ना उपध्यान तक होने वाला है और बस उसी के फॉर्म आज यहाँ उपाश्रम में मिल रहे थे। बहुत सारी लेडीज ने वो फॉर्म भर लिए तो लगे हाथ मैंने भी फॉर्म भर दिया, मैं भी उपध्यान करने जाऊंगी। क्या तुम उपध्यान करने जा रहे हो? एक उपाय तो तुमसे होता नहीं है और चले उपध्यान करने। अरे पापा, मम्मी चौबियान करती है तो मम्मी को कमजोरी आ जाती है और मम्मी अभी जा रही है उपध्यान करने। मम्मी वापस 5 दिन में तो मम्मी आ जाएगी वापस। तो क्या हुआ अगर मेरी तबीयत नहीं मानती? मैंने तो ऐसे बहुत सारे तप किए हैं, नवकार तप किया है, कितने सारे तप किया है। और ठीक है ना, तबीयत नहीं मानती तो कोशिश तो करूँ, कोशिश नहीं करूंगी, पुरुषार्थी नहीं करूँ तो पता कैसे होगा। कितने छोटे छोटे बच्चे दीक्षा लेते हैं, मैं एक उपध्यान करूँ और शायद मेरे दीक्षा के भाव भी जाग जाए। दीक्षा मेरे मरने के बाद ले लेना। जैसे हमने देखा कि मीना बेन को उपध्यान तप करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, पर जैसे उनके परिवार वालों ने बताया कि कैसे उनको छोटे छोटे तप आराधना में भी तकलीफ होती थी, तो क्या मीना बेन उपध्यान कर पाए और करने के बाद क्या उनके जीवन में कोई परिवर्तन हुआ? आओ चलो देखते हैं। संस्कार वाटिका के बारे में बहुत सुना था ना, तो सोचा आज रविवार भी है, वाटिका भी शुरू होगी, तो क्यों ना यहीं पर आकर इसके बारे में और जानू। बस इसके लिए आज यहाँ पर आ गई। बहुत अच्छा किया, आज वाटिका चालू भी है। आइए मैं आपको पहचान कराती हूँ हमारे जो अध्यक्ष है संस्कार वाटिका के, जिनेश भाई, उनसे। अच्छा ये है क्या जिनेश भाई? प्रणाम। प्रणाम जिनेश भाई। आपकी क्लास चालू हो रही है? हाँ मैं जाती हूँ, लेकिन एक मिनट में आपको है ना पहचान कराती है। ये है मीना बेन। प्रणाम। ये है ना मीना बेन, बहुत धर्म में रुचि रखते हैं, उनको धर्म प्रेमी है और मेरे साथ उद्धार में बहुत कुछ उन्होंने मेरे को बताया था। उनको बहुत कुछ ऐसे बच्चों को सिखाना पढ़ाना बहुत पसंद है। आपका आने का उद्देश्य? हाँ जिनेश भाई, उद्यान के समय में तृप्ति बहन से बहुत सारी बातें सुनी थी संस्कार वाटिका के बारे में, तो बस इसके बारे में और जानना था, तो क्या आप मुझे इसका उद्देश्य बता सकते हैं? उद्देश्य शॉर्ट में बता सकता हूँ, जो हमारी टैगलाइन है, भेजिए अपने लाल को, सच्चा जैनी हम बनाएंगे, पूजेगी दुनिया उनको, इतना काबिल हम बनाएंगे। तो ये एक छोटी सी टैगलाइन थी, इससे आपको संक्षेप में जो है जिग्नेश भाई बताएंगे, मैं उनको बुला लेता हूँ। ठीक है जी। हाँ ठीक, आज तब तक पूछना था आपका धार्मिक अध्ययन क्या था? है मेरा धार्मिक अध्ययन ऐसे, मेरे पूरे 5 प्रतिक्रम हो चुके हैं, नवस्मरण हो चुका है और बहुत सारे तब भी मैंने किए हुए हैं, उद्यान तब भी हो चुका है अभी, तो बस उसी के चलते जो बेसिक जैनिज्म का है वो मेरा पूरा हो चुका है। लो जिग्नेश भाई जी, प्रणाम जिग्नेश भाई। तो जिग्नेश भाई ने बताया कि आपको वाटिका के बारे में जानना था, तो वाटिका एक ऐसी संस्था है जो पाठशाला के बिल्कुल अलग है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि पाठशाला का स्वरूप है, तो पाठशाला नहीं है, बच्चों में संस्कार डालने की एक संस्था है।
और ये ऑल ओवर पूना में 18 ब्रांचेस चल रही है इसकी। इसमें छोटे 6 साल के बच्चों से लेके 15 साल तक के बच्चे सभी धार्मिक के साथ साथ संस्कार की बीज इसमें रोपण होती है। मतलब जो माता पिता आज समय नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को किसी कारण के वजह से, कोई जॉब पे जा रहा है, ये जा रहा है, तो जो मूल संस्कार हमको देने हैं वो संस्कार वाटिका में दिए जाते हैं। और मैं तो चाहूंगा कि पूरे विश्व में जितने भी जैन परिवार हैं और जितने भी जैन संघ हैं वहां पे संस्कार वाटिका चालू होनी ही चाहिए। और आप जो इतने धर्म में रुचि रखते हो, और मैं जैसे आ रहा था मैंने सुना कि आपने इतनी सारी चीजें की है, आपका 5 प्रतिक्रमण हो चुका है, उसके साथ में उद्यान हो चुका है और काफी सारी तप आराधना भी हो चुकी है, और हमारे तृप्ति भाभी ने तो आपको वाटिका के बारे में बताया ही होगा, और आप जो रुचि रखते हो इसमें, तो हमारे बड़े बच्चे जो है उनको आपका मार्गदर्शन बहुत काम में आएगा। तो आपका वाटिका में स्वागत है और आपके मार्गदर्शन से बच्चे और आगे बढ़े ऐसी हम लोग इच्छा रखते हैं। जरूर जरूर। प्रणाम। जैसे हमने वीडियो में देखा कि आप वाटिका के साथ भी जुड़ गए थे, संस्कार वाटिका के साथ, तो संस्कार वाटिका में जुड़ने के बाद वहाँ पे आपको कैसे लगा या आपका अनुभव कैसे रहा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। संस्कार वाटिका में जुड़ने के बाद मुझे थोड़ा पढ़ाने की टेक्निक और कुछ अच्छी लगी कि थोड़ा थोड़ा सिलेबस की साइज पढ़ाते हैं। जैसे मैं पाठशाला में पढ़ाती थी तो भाई गाथा ले हो, सिलेबस कैसे पढ़ाना ये नहीं पता था कि कब कैसा को छोटे बच्चों को क्या पढ़ाना, बड़े बच्चों को क्या पढ़ाना, लेवल वाइज पढ़ाना, तो ये जो ज्ञान मिला तो मुझे वाटिका से। आज तक तो आप पीसीएमसी के बच्चों की गुरु के रूप में थी, लेकिन अब जब आप संयम पद पर जा रही हो तो आप सभी की गुरुमा बनने जा रही हो, तो ये प्रवास में आपको आपके हमें क्या विचार है आपके, या आप क्या बताना चाहोगे कि जब आप गुरुमा बनोगे? खुशी होगी कि दीक्षा के बाद मैं सिर्फ पीसीएमसी में ज्ञानदान करती थी, बढ़ाती थी, बच्चों को बताती थी, पर अब जहां जहां विचरण होगा वहां सभी को अपनी भगवान महावीर की वाणी में बता पाऊंगी, उसका प्रचार कर पाऊंगी, उसमें मेरे को बहुत खुशी होगी। जो आपके गुरु ने वाणी को मैं प्रसारित कर पाऊंगी उसकी मेरे को बहुत खुशी होगी। प्रणाम है माता। प्रणाम प्रणाम। तो जैसे कि हम जानते हैं मीना बेन जो आपके साथ अपने वाटिका में को टीचर रहे हुए और वो अभी दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो आपका उनके साथ वाटिका में क्या एक्सपीरियंस रहा हुआ है, आप थोड़ा हमारे साथ शेयर करेंगे? जरूर। मीना बेन हम मेरे साथ वाटिका में शायद 2-3 साल थे, लेकिन और हमारा लेवल एक था, एक ही लेवल को हम पढ़ा रहे थे, तो जब वो पढ़ाती थी तो बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। फिर मैंने उससे पूछा कि तूने धार्मिक ज्ञान कितना है, तो बोली नहीं नहीं मैं तो गुरु भगवान के पास ही मैंने सब ज्ञान लिया, क्योंकि जो उसकी पढ़ाने की जो शैली थी, जो ऐसे पढ़ाती थी ना बच्चों को, तो ऐसा लगता था कि ये बहुत डीप वे धार्मिक ज्ञान से जुड़ी हुई है, लेकिन थोड़ा बच्चों के लिए वो हाई जाता था। तो फिर मैंने उसको बताया तो उसको गुस्सा नहीं आया कि ज्ञान है लेकिन ज्ञान के साथ विनय है। वो कुछ भी हुआ तो पूछती थी हेमा काकी मैं बराबर हूँ, बराबर बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बच्चों के समझ में आ रहा है, तो मैं सोचती थी देखो कि विद्या विनय न शोभते, विनय का भाव उनमें था। तो उनके साथ ऐसा बहुत था, और एक व्यक्ति मतलब ऐसा होता है कि अपने को लगता है कि सच में ये पढ़ा मन से पढ़ा रहे हैं, ऐसा उनका भाव था। तो ये भी था, और जब मैंने सुना कि मीना बेन दीक्षा ले रहे हैं तो ये दीक्षा के भाव तो क्या ऐसे अपसुक नहीं आते हैं। जब बचपन के संस्कार होते हैं, उनकी माता लीला बेन, पिता मदनलाल जी, उनके जो धार्मिक संस्कार थे वो बहुत गहरे थे, इसके बाद से वो आगे चलकर चल के ऐसे संयम पर जाने का, और ये क्या है, ये मानव जीवन का परम पथ है, जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ से महाविदय जाने के चांसेस ज़्यादा है, और उनके मन में कितनी श्रद्धा होगी अपने संयम के बारे में, तो ये ऐसा संयम पथ उन्होंने ले लिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। संस्कार वाटिका बच्चों के लिए और बड़ों के लिए धर्म से जुड़ने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। बच्चे तो कोर्स के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सीखते हैं, और आजकल के नवयुवक कोई भी चीज़
बिना रीज़न जाने नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो उन सब बच्चों के लिए ये वाटिका की प्रैक्टिकल स्टडीज़ बहुत काम में आती है। और बड़ों के लिए तो सिखाते सिखाते हमारे में काफ़ी सारे परिवर्तन आ जाते हैं। तो यह